Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, aspirants, new viewers and members of this Olive Green fraternity. Today, I am going to narrate a tale which is or which could be a dream for many. So, I finally got commissioned and I got a leave of 21 days before I could join my unit. So, ghar aaye, parties hui, bahut log milne aaye and in next week, I was free. फिर हम घूमने गए फैमिलीज के साथ और ट्रिप्स वगैरह की और फिर भी लीव के एक हफ्ता अभी पेंडिंग था. अब सवाल ये था कि क्या किया जाए. सो आई कॉल्ड माई स्कूल प्रिंसिपल एंड सेड, हाई मैम, दिस इज लेफ्टिनेंट जुगाड़ो फौजी दिस साइड एंड आई वॉन्ट टू विजिट दिस स्कूल फॉर वन मिनट. देर वॉज अ साइलेंस एंड देन शी सेड, आर यू द सेम गाय फ्रॉम सेक्शन बी? And I was like, yes ma'am, can I come to school? Then she said, yes you can. And I told my dad कि चलो आज स्कूल होकर आते हैं. तो डैड ने बोला मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ. एंड दिस इज वेयर द स्टोरी स्टार्ट. ये वो दिन है जब मैं 11th में था और इस शहर के स्कूल में कुछ ही गांव के बच्चे आते थे और मैं उनमें से एक था. मैं हमेशा से ही झगड़ालू था और थोड़ा सिरफिरा भी था. मेरी स्कूल में लड़ाइयाँ वगैरह भी काफ़ी होती थी, पर क्योंकि मैं पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था तो मैं हर बार बच जाता था. 11th क्लास ऐसे ही लड़ते झगड़ते निकल गई एंड आई वॉज सेकेंड इन नॉन मेडिकल स्ट्रीम इन 11th. अब आई वॉज हैप्पी कि सेकेंड आ गया मैं स्कूल में, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई फर्स्ट कौन आया इस बार. अब 11th 12th में देयर आर मैनी अदर स्टूडेंट जो कि मेरी तरह दूसरे स्कूल से आते हैं, ज्वाइन करते हैं. तो ऐसा ही एक स्टूडेंट था हर्ष, आंखों पे चश्मा और हर समय हाथ में किताबें. तो आई वेंट टू दिस हर्ष गाय एंड आई सेड, कॉन्ग्रेट्स भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग फर्स्ट. तो अब हर्ष बोला, थैंक्स भाई, पर मेरा स्कूल की पढ़ाई में ज़्यादा फोकस ही नहीं है, मैं तो बस जेई का पढ़ता हूँ एंड ऐसे ही पेपर दिया था, मैं तो फर्स्ट आ गया. नाउ इट वॉज अ शॉक फॉर मी. मुझे लगता था कि स्कूल की पढ़ाई कर लो, ठीक है, टॉप 3 में आते रहो और जॉब वगैरह मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी. देन आई आस्क्ड मोर अबाउट जेई एंड हर्ष ने मुझे जो बताया, भाई जमीन हिल गई थी उस टाइम पे. हर्ष ने हंसते हंसते बोला कि भाई ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता है. एंड देन ही शोड मी हिज फिडजी की बुक्स. मैंने जब वो बुक्स खोली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज हाइपर वेंटिलेटिंग, इतना पसीना आने लग पड़ा था एंड मुझे लगा कि भाई जिंदगी तो खत्म हो गई है. देन देयर कम्स अ फ्यू गाइज, अर्श, सिमर, प्रिंस, रोहन, ये सब वो लड़के हैं जो मेरे साथ स्कूल में थे एंड दीज आर माई स्कूल फ्रेंड्स. पर इनको भी यही लगता था कि भाई, क्योंकि ये सब गांव के थे मेरी तरह, इनको लगता था कि भाई अगर ठीक ठाक करते रहोगे, 80% लाते रहोगे तो नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा. बट इट वॉज एन आई ओपनर. तो हम सब ने डिसाइड किया, घर पे बात बात की और हमने 12th में कोचिंग ज्वाइन कर ली. बट भाई, लेट मी बी वेरी ट्रू टू यू, अगर तुम IIT वगैरह की तैयारी करते हो देन दोज इंडिविजुअल्स विल, मतलब उनको समझ आएगा मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर तुम 12th में कोचिंग कर रहे हो तो तुम बाकी से पहले ही पीछे हो, क्योंकि 11th का सिलेबस तो कवर भी करना है, वो तो तुमने किया नहीं. चलो फिर भी जो है, हमने 12th में कोचिंग ज्वाइन कर ली. अब 12th में 11th का JEE सिलेबस भी होता है जैसे मैंने बोला, वो भी कवर करना था और स्कूल भी जाना पड़ रहा था, तो टाइम बहुत वेस्ट होता था. तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया एंड आई सेड कि मैम मैं स्कूल नहीं आ सकता. तो शी सेड, कब तक? तो मैंने बोला मैम एंड तक. शी वॉज शॉक्ड एंड शी सेड, ये क्या मजाक है? देन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्रॉब्लम कि मैम मुझे पढ़ना होता है और स्कूल में मेरा टाइम वेस्ट होता है. एंड आफ्टर टॉकिंग टू माई पेरेंट्स शी एग्रीड, बट ऑन वन कंडीशन, कि 12th में प्री बोर्ड में अगर तुम टॉप 3 में नहीं आए तो आई विल बी इन बिग ट्रबल. अब लाइफ सेट थी, सुबह 4 बजे उठो भाई, 12 बजे तक पढ़ाई करो, बस पकड़ो, 1 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंचो, 1 से 7 कोचिंग अटेंड करो, फिर शाम को वापस आओ, खाना खाओ, रिवाइज करो, सो जाओ. मैं 11th का सिलेबस तो कवर कर ही रहा था बट आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश और एक जो 5वां ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, चूतिया सा, सॉरी. अब एक दिन कोचिंग से वापस आते हुए मैंने अर्श को समोसे खिलाए और मुझे उससे 100 रुपये लेने थे, ऐसे करते करते कभी समोसे खिला दिए, पेस्ट्री खिला दी. तो नाउ अर्श और हर्ष अलग अलग हैं, अर्श ने मुझे 100 रुपये देने थे. नाउ एक दिन मैंने हर्ष से पैसे मांगे तो उसने बोला कि मैंने तेरा भाई NDA का फॉर्म भर दिया है, और मुझे बहुत गुस्सा आया. मैंने बोला भाई 100 रुपये में 20 समोसे आ जाते और तूने एक पेपर भर दिया है. तो हर्ष ने बोला कि भाई पेपर काफ़ी मुश्किल होता है एंड वैसे भी अगर इसे क्रैक कर लिया हमने तो इट मीन्स कि हमारी JEE की प्रिपरेशन सही चल रही है. अब मैंने एग्जाम के लिए 15 दिन पहले थोड़ी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी और एग्जाम देने आ गया एंड जहां तक मुझे याद था भाई एग्जाम वाज इजी, ठीक है, एज कम्पेयर टू JEE इट वाज इजी. पर जब रिजल्ट आया
तो मैं बस में बैठ के वापस घर जा रहा था, 7 बजे वाली बस चलती थी, तो मैं घर जा रहा था तो अर्श का फोन आया, भाई हमारा तो नहीं हुआ, ये ले पीडीएफ और अपना चेक कर ले। अब मैंने कांपते हाथों से पीडीएफ खोली और अपना रोल नंबर सर्च करने लगा, तो उसमें आया रिजल्ट नॉट फाउंड। भाई शॉक, तो मेरा दिल टूट गया भाई कि जो पेपर नहीं निकला यार, मैं तो इजी समझ रहा था और ये एनडीए का पेपर निकला, जेई कैसे निकालूंगा। मैं घर पहुंचा और मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया, ना मैंने कोई रिवीजन की, पढ़ाई की, बस कुछ नहीं किया। 9 बजे दुखी आत्मा मैं सो गया। अब 10:15 बजे फोन आता है अर्श का और बोलता है वो सड़ी के पार्टी कब दे रहा है। अब ये सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हुआ कि मैंने रोते रोते बोला भाई कि जब नहीं हुआ तो मजाक क्यों कर रहा है मेरे साथ, और उसको बहुत गालियां सुनाई। तब अर्श ने मुझे पीडीएफ का वो पेज भेजा स्क्रीनशॉट खींच के जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा था। देन आई रियलाइज कि मैं तो तब से गलत नंबर डाल रहा हूँ, उसमें तो यूपीएससी रोल नंबर डालना है पीडीएफ में सर्च करने के लिए, और मैं अपना कोचिंग आईडी नंबर डाल रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यार हो जाता है ठीक है, मतलब डर में आई वॉज पजल्ड और मैं गलती से यूपीएससी नंबर डाल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैं बेड से उठा, मैंने 3 बार अपना रोल नंबर सर्च किया, हर बार ऐप को क्लोज किया और हर बार फोन रीस्टार्ट किया कि कहीं गलती ना हो जाए। देन आई वाज ऑन 7th heaven, मैं इतना जोर से चिल्लाया कि मेरी माँ उठ के आ गई मेरे पास और बोला कि क्या हो गया है। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरी जेई की तैयारी ऑन ट्रैक थी। अब मेरे प्री बोर्ड आने वाले थे और तभी मेरा SSB का कॉल लेटर भी आ गया। मैंने उसको साइड में फेंका और कुछ दिन बाद स्टडी टेबल पे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ दिन बाद मेरी मम्मी ने उसे देखा और बोला कि भाई इसमें क्या है, इसमें तो लिखा हुआ है कि यू हैव टू रिपोर्ट टू इलाहाबाद। तो मैंने बोला अरे माँ छोड़ो ये सब, ये तो बस रिटर्न दिया था, अब हो गया, अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब तो मैं JEE पे फोकस कर रहा हूँ। शायद मम्मी ने पापा से बात की और पापा ने शायद यूट्यूब वगैरह पर देखा और फिर एक दिन मुझे दोनों आगे खड़े हो गए मेरे सामने, बोल रहे हैं गोलू देख यार ट्राई कर ले, YouTube पे बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल है और 1% से भी कम चांस होते हैं इसमें सिलेक्ट होने के SSB में। अब जब ये less than 1% वाला क्राइटेरिया सुना तो मेरे अंदर का कॉम्पिटिटिव गोलू का दिमाग एक्टिवेट हो गया और मैंने बोला आ रहा हूँ बहनचोद। फिर मैंने अपने सोनी के सेकेंड हैंड फोन पे SSB की रिसर्च की और नटराजन सर की बुक द SSB गाइड आती थी वो मैंने पढ़ी। इस ट्रूथ और मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा भाई, शायद कोई और भी अच्छी बुक होती SSB के ऊपर, पर ये उस टाइम पे सबसे सस्ती थी। अब आज की डेट का मुझे पता नहीं, बट उस टाइम पर 70-80 रुपए की थी Amazon पे, तो इसीलिए मैंने ये खरीद ली। तब हम चढ़ गए फिर ट्रेन के ऊपर और हमारा सफर शुरू हो गया इलाहाबाद का। हाँ भाई, फिर हम वहाँ से SSB वगैरह दी और मैं वापस आ गया एंड इट वाज वेरी फन एंड आई एंजॉयड एवरी सेकेंड ऑफ SSB। कभी मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ SSB में, बट SSB दी मैं वापस आ गया। तो जब मैं वापस आया 2 दिन बाद उसके प्री बोर्ड स्टार्ट थे, मतलब आज रात को मैं आया हूँ, कल का दिन है और परसों से प्री बोर्ड स्टार्ट है। तो भाई पहले तो अपना डर भी लग रहा था, पर किसी ना किसी तरीके से प्री बोर्ड दिया। अब PCM में तो 90 से ऊपर आ गए, मतलब 99% था, पर इंग्लिश में नंबर आया 42 और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो था चूतिया सा, उसमें मैं फेल हो गया। बस इस पे सारा स्कूल मेरे ऊपर चढ़ गया। प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया और बहुत गालियां दी और बोला बोर्ड्स का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा बेटा। मैंने अब भाई बहुत ज़्यादा सोचा और भाई फटके 4 हो गई। मैंने बोला यार ये क्या हो गया है, इंग्लिश वाली मैडम बोल रही है और मत आओ स्कूल और उड़ाओ गुल छल्ले लड़कियों के साथ, कोई बोल रहा है ऐसे ही एटीट्यूड लेकर चलता था, अच्छा हुआ फेल हो गया, अरे यूजलेस पीस ऑफ शिट है ये, नकारा नलायक, स्कूल आना होता नहीं है इनको और आओ तो तब इनको लड़ाइयाँ करनी है। तो यही सब रिमार्क सुन रहा था मैं और इन सब खूबसूरत कमेंट से मेरा दिल तो काफ़ी टूटा। तब हर्ष जो कि 12th के प्री बोर्ड में भी फर्स्ट था वो मेरे पास आया और बोला कि कॉन्ग्रेट्स यार PCM में तूने 99% स्कोर किए हैं, कार्ड दिया मेरे को तूने। तो मैंने बोला यार क्या फ़ायदा एडमिट कार्ड नहीं दे रहे यार। तो हर्ष ने मुझे बोला लॉन्डे चिल मार, डराते हैं बस, ये मिल जाएगा एडमिट कार्ड। मेरे फिजिक्स वाले टीचर ने मुझे तब बुलाया और बोला कि बेटा PCM में तो तुम्हारे 99% आ रखी है और इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़े तुमने। देन आई टोल्ड सर की पूरी कहानी क्या है, आई टोल्ड हिम अबाउट द SSB, सब बता दिया रोते रोते, और कि सर मैं परसों ही रात को SSB देकर आया हूँ इलाहाबाद से, एक रिजल्ट बता दिया। अब फिजिक्स वाले जो मेरे सर थे वो स्कूल में सबसे रिस्पेक्टेड एंड सबसे बड़े थे एज में, वो ये सुन के बाहर गए और 15-20 मिनट वापस आए, बोला ये ले अपना एडमिट कार्ड और SSB का बहाना नहीं चलेगा JEE मेंस में और एडवांस में और बोर्ड्स में। मैंने सर के पैर छुए और प्रॉमिस किया कि सर अब शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा।
अरे बेटा गाड़ी स्टार्ट कर दी है, आजा स्कूल नहीं जाना क्या? आया आया आया, आया पापा आया आया आया। तो गाड़ी पे हमने अपना सामान रखा और हम रवाना हो गए स्कूल की ओर, जहाँ पर मेरी बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी यादें जुड़ी हुई। मैं स्कूल गया और प्रिंसिपल मेरा वेट कर रही थी, तभी पियून आया और बोला कि मैडम ऑफिस में बैठी हुई हैं, आपका इंतज़ार कर रही हैं, सब मीटिंग्स अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं, टीचर्स को भी मना कर दिया है अंदर आने के लिए। तब मैंने पूछा कि फिजिक्स वाले सर कहाँ हैं। मैं फिजिक्स की क्लास में घुसा तो वहाँ पे वही 11th बी की क्लास में सर लेक्चर दे रहे थे। वो डेस्क जिसके ऊपर मैंने कंपस से खरोच खरोच के दिल बनाए होते थे, उस पर एक चश्मे पहन के एक लड़की बैठी हुई थी। मैं सर से मिला 4 साल बाद, बट ही रिकॉग्नाइज्ड मी इन 4 milliseconds एंड ही सेड, हाँ बेटा और कहाँ पोस्ट चढ़ो। मैंने सर के पैर छुए, उनके गले लगा और बोला सर अभी नेक्स्ट वीक ज्वाइनिंग है। फिर मैं बास्केटबॉल ग्राउंड गया, कैंटीन गया जहाँ हम इंग्लिश के पीरियड से बंक मार कर स्प्रिंग रोल खाते थे। फिर दोबारा पियोन आया और बोला कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपका वेट कर रहे हैं। तब मैं प्रिंसिपल ऑफिस गया, शी गई मी फ्लावर्स का बुके, फोटो वगैरह खिंचवाई, चाय पिलाई और बाकी सारे टीचर्स को भी बुलाया। बाकी सारे टीचर्स एक ही बात डिस्कस कर रहे थे, देखा कितना दिन रात पढ़ता था ये लड़का, बेटा हो तो ऐसा हो, हार्ड वर्किंग सुपर स्टूडेंट ही वॉज। लड़कियां, अरे ना 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 बाबा, ये तो बस पढ़ाई पे फोकस था इसका। देन आई फिनिश्ड माय कप ऑफ टी एंड हम वापस आ गए, मैं मेरे पापा। मुझे हर साल एलुमनाई मीट के लिए इनविटेशन आता है बट मैं कभी नहीं जाता, पार्शली बिकॉज कभी मुझे लीव उस टाइम पे मिलती ही नहीं है एंड पार्शली बिकॉज मैं उस टाइम पे कभी लीव मांगता ही नहीं हूँ। तो मॉरल इज, हर सक्सेसफुल आदमी की अच्छी स्टोरीज होती हैं, नहीं होती तो उसको बना दी जाती हैं, एंड हर अनसक्सेसफुल आदमी चाहे वो कितना भी हार्ड वर्किंग ना हो उसे कोई नहीं पूछता भाई। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स विच रियली मैटर इन दिस फेक वर्ल्ड, स्टार्ट स्टडिंग क्योंकि वही काम आएगा, एंड तभी हम बोलते रहते हैं। चार बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने चनूने काट।